ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाने वाले हैं, जीतने कौन वाला है। पिछले 48 घंटों में दोस्तों घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी 48 घंटों में कारपेट बॉम्बिंग की है, जिसका अर्थ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार रोड शोज कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा धन बल का इस्तेमाल, एजेंसीज का इस्तेमाल, यहां तक कि चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए। मगर क्या कांग्रेस पीछे है? बिल्कुल नहीं। वो कहावत है ना, जिसकी जूती उसी के सर। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस उसी पर हमला बोलने के लिए। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। दोस्तों चुनावी कैंपेनिंग का वक्त खत्म हो गया था। प्रियंका गांधी वाड्रा चतुर राजनीति की मिसाल देती हैं, और वो चतुर राजनीति क्या है? वो पड़ोसी तेलंगाना पहुंच जाती हैं, वहां पर युवा संघर्ष रैली करने, और वहां पर वो रैली को संबोधित करती हैं। गौर कीजिएगा, कैंपेनिंग का वक्त खत्म हो चुका है, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं तेलंगाना पहुंच जाती हैं, जहां पर चुनाव आचार संहिता नहीं है, और वो तेलंगाना का हिस्सा जो कि कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, और वहां पर आप देख सकते हैं भीड़ को संबोधित करने लगती हैं। ये युवा संघर्ष रैली है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहां लोग जुट रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीखकर राजनीति कर रही है, उसी का जूता उसी के सिर पर मार रही है। और दिलचस्प बात यह नहीं है, दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर कहा क्या। मैं चाहूंगा उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिए, और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आपके स्क्रीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा। आज आप यहां पर जब मुझे कहते हैं कि मैं इंदिरा अम्मा जैसी एक नई इंदिरा अम्मा हूं, ये हल्की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये हल्की बात नहीं है। जब आप ऐसे कहते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप उस महिला को याद कर रहे हैं जो 40 साल से पहले ही गुजर चुकी है, शहीद हो गई देश के लिए 1984 में। आज हम 2023 में हैं, लेकिन आप उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ याद कर रहे हैं, और आप अभी भी आशा रख रहे हैं कि उनकी तरह कोई आपकी मदद करे, क्योंकि वो एक ईमानदार नेता थी, अपनी देश के लिए समर्पित थी, और आपके भविष्य के लिए समर्पित थी। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आपके सामने खड़े होकर मैं ना झूठे वादे कर सकती हूँ, ना झूठी बातें बता सकती हूँ, और आपके सामने जब मैं खड़ी होती हूँ तो ईमानदारी से मैं सच बोलना चाहती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ जिसमें आपकी भलाई है। इसीलिए आपने सोनिया अम्मा का नाम भी लिया, और आपको मालूम है कि आपके प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका बहुत रही। मैं उनकी बेटी हूँ, यहाँ अगर आपके सामने खड़ी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से लिया, और वे भी आपके लिए आजीवन समर्पित रही। गौर किया आपने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदिरा अम्मा का नाम लिया, यानी कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी को कर्नाटक में इंदिरा अम्मा के नाम से जाना जाता है। एक पत्रकार ने मुझे याद दिलाया है कि आपातकाल के बाद चिकमंगलूर में चुनाव हुआ था, यानी कि कर्नाटक में उपचुनाव हुआ था जिसमें इंदिरा गांधी ने हिस्सा लिया था, और इंदिरा गांधी को जीत हासिल हुई थी, और उन चुनावों में यह नारा लगाया गया था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। ये मुझे किसी पत्रकार ने याद दिलाया दोस्तों, और मुझे याद है जब मैं छोटा था 80 के दशक में
मुझे मेरे पापा ने इसके बारे में बताया था। हालांकि यह चुनाव जो है वो 70 के दशक में हुआ था। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। और इंदिरा गांधी को इंदिरा अम्मा के नाम से जाना जाता था। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाषण में कहीं ना कहीं उसी इमोशनल लिंक का इस्तेमाल कर रही हैं। वो इंदिरा गांधी को खुद से जोड़ रही हैं और इंदिरा अम्मा का जिक्र करके बहुत ही चतुर राजनीति का परिचय दे रही हैं। मैंने आपसे कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस बीजेपी की राजनीति का इस्तेमाल कर रही है उसी पर हमला बोलने के लिए। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि इसका क्या अर्थ है, तो याद कीजिए, लोकसभा चुनावों में वोट डाले जा रहे थे और प्रधानमंत्री एक गुफा में बैठकर यहां पर जो है ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। यानी कि लोग वोट डाल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर पूरे भारत में न्यूज चैनल्स के जरिए दिखाई जा रही थी। ये सरासर नैतिक तौर पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, मगर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ये करते रहे, बीजेपी ये करती रही और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का फायदा मिला। अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, शायद तीसरा या चौथा चरण था, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश में वो एक हिंदू मंदिर जाकर अपना शीश झुकाते हैं। वो हिंदू मंदिर जो पश्चिम बंगाल में एक समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है, मगर बीजेपी ये कर रही थी। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के तमाम न्यूज चैनल्स भी दिखा रहे थे। अब आपने देखा मैंने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है उन पर हमला बोलने के लिए। ये तमाम चीजें दोस्तों जो कांग्रेस सीख रही है, क्या ये सही है? नैतिक तौर पर सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, उसके बाद ये नहीं करना चाहिए। मगर कानूनी तौर पर जो कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। हां, मुझे यह देखना होगा कि 10 मई को जब वोट डाले जाएंगे तब न्यूज चैनल्स किसको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ड्रामा या प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई राजनीतिक ड्रामा? क्या दिखाया जाता है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उसी तरह से जमीन पर उतरेंगी 10 मई को? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से कुछ करेंगे? क्या राहुल गांधी या सिद्धरमैया कुछ करेंगे? ये तमाम हमारे जहन में सवाल हैं। मगर एक बात तय है दोस्तों कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लहजे में जवाब दे रही है। और ऐसा क्यों, मैं आपको बतलाता हूं, क्योंकि आखिरी 48 घंटों में धन बल का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। और आपको यह बतलाने की कतई जरूरत नहीं है, जहां तक पैसे की बात है, धन बल की बात है, तो बीजेपी कहां है और कांग्रेस कहां? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और पैसा बहाया जा रहा है दोस्तों। मेरे कई पत्रकार मित्र कह रहे हैं कि इसका असर पड़ सकता है, और बात वहां तक सीमित नहीं है। सांप्रदायिक तौर पर जहरीले बयान लगातार दिए जा रहे हैं, अनर्गल मुद्दे को उठाए जा रहे हैं। मसलन प्रधानमंत्री का यह वाहियात बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी ने कर्नाटक के लिए संप्रभु सॉवरेन शब्द का इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी ने इस बयान में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कर्नाटक की छवि की रक्षा करेंगे, उनकी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और उसकी अखंडता की रक्षा करेंगे। मेरे हिसाब से, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सोनिया गांधी को यह नहीं कहना चाहिए था। सॉवरेन यानी संप्रभु शब्द का इस्तेमाल देश के लिए किया जाता है, राज्य के लिए नहीं। हो सकता है कि सोनिया गांधी कहीं ना कहीं कर्नाटक के अंदर भाजपा, जो अक्सर दंगे का माहौल बनाने की कोशिश करती रहती है, उसका जिक्र कर रही हूं, मगर सॉवरेन शब्द का इस्तेमाल सही नहीं था। मगर प्रधानमंत्री तो बहुत आगे निकल गए, वो ये तक कहने लगे कि सोनिया गांधी या कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है। और यही नहीं दोस्तों, इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे जवाब तलब किया है।
तो इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि धन बल का इस्तेमाल, सांप्रदायिक जहर का इस्तेमाल और एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है हमला बोलने के लिए। इनकम टैक्स आए दिन रेड मार रही है और कल तक रेड मार रही थी। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? उन निर्णायक दिनों में जब कांग्रेस को अपने करीबी बिजनेसमैन के जरिए या व्यवसायियों के जरिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तब इनकम टैक्स जो है वो रेड मार रही है कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस समर्थकों पर। खेला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको समझ में दोस्तों? और जैसे मैंने कहा ना, एजेंसीज का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग धड़ल्ले से भाजपा के लिए बैटिंग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक खड़गे को इसीलिए नोटिस दिया गया है क्योंकि प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया था। मगर याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने तो खुलेआम मंच पर खड़े होकर बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा था, जो कि चुनावी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। उनके कैंपेनिंग पर रोक लग जानी चाहिए थी, मगर चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं है। तो यह सब क्या बतला रहा है कि साम दाम दंड भेद से किसी भी कीमत पर भाजपा यह चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल उन सवालों को नहीं उठाएगा जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनकम टैक्स का इस्तेमाल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल, लोगों को भ्रामक संदेश देना, बरगलाना, झूठ बोलना, सांप्रदायिक जहर उड़ेलना, यह सब हो रहा है कर्नाटक में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भारत की आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्र है। ऐसे राज्य को सांप्रदायिक उन्माद में ढकेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। मगर इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके जहन में एक सवाल होगा कि चुनाव जीत कौन रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? तो आइए दोनों की ताकत के बारे में बात करते हैं। अगर कांग्रेस की ताकत की बात करें दोस्तों, तो उनकी ताकत ये तीन चेहरे हैं। सिद्धरमैया, पूर्व मुख्यमंत्री, और इन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, और मैं इन्हें राहुल गांधी से ऊपर रख रहा हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से लोगों से मिल रही हैं, कभी कभी वो मंच से नीचे उतर जाती हैं। जैसे यहां एक व्यक्ति उनके पास एक गुहार लेकर आया था, प्रियंका गांधी वाड्रा मंच से नीचे उतरती हैं, उससे मिलती हैं, उसका ज्ञापन लेती हैं और फिर मंच पर आकर उसकी बात करती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। माफ करिए, बैठ जाइए तो मैं बोलूं। आपने वही बात बताई मुझे जिसकी चर्चा मैं कर रही थी, आपने वही बात बताई, धन्यवाद। आपने मुझे बताया कि महीनों से धरना कर रहे हैं, महीनों से इनकी मांगे, इनकी कुछ मांगे हैं, धरना कर रहे हैं, और एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी नहीं आया इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो यही इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं का को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के बारे के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको, तो नुकसान किसका हो रहा है बताइए, किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इसी तरह से लोगों से मिल रही हैं। यही वजह है कि वो तेलंगाना पहुंच गई थी और उन्होंने इंदिरा अम्मा वाला जो इमोशनल मुद्दा है उसे उठा डाला। ये कहीं ना कहीं बतलाती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति के लिहाज से बहुत शार्प हैं।
और तीसरा चेहरा राहुल गांधी। कल अचानक राहुल गांधी बैंगलोर में एक बस में चढ़ गए और लोगों से मिलने लगे। वो बाकायदा फूड डिलीवरी ऐप के एक व्यक्ति के साथ बैठकर उसके स्कूटर में जा रहे थे, वो युवाओं से मिल रहे थे। ये तमाम तस्वीरें बतलाती हैं, और ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स किया गया। राहुल गांधी अचानक पहुंच गए और उनसे मुलाकात करने लगे। ये तमाम चीजें बतलाती हैं कि लोगों में पहुंचकर उनके वोट्स को हासिल करना, उनके विश्वास को जीतना, ये कोशिश लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कर रहे हैं। इसका तोड़, इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के पास अगर कुछ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, जिनकी लोकप्रियता कर्नाटक के अंदर जबरदस्त है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आखिरी दिन करीब 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और जबरदस्त प्रतिक्रिया भी मिली। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वो राजनीतिक तौर पर ये चुनाव जीत सकते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री के करिश्मे पर, धन बल के आधार पर, एजेंसीज के आधार पर, और इन तीन फैक्टर्स का इस्तेमाल बीजेपी लगातार कर रही है। तो मैंने आपके सामने साफ तौर पर दोनों पहलू रखे, कांग्रेस की क्या ताकत है और भाजपा की क्या ताकत है। यकीनन दोस्तों, इस वक्त बीजेपी एंटी इनकंबेंसी लहर का सामना कर रही है। 40% कमीशन की सरकार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस पर लगातार हमला हो रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनका जवाब नहीं है बीजेपी के पास, मगर अगर इसके बावजूद वो चुनाव जीत जाती है तो ये अपने आप में बतलाएगा कि धन बल किस तरह से काम आया और सांप्रदायिक उन्माद जो इन्होंने अपने भाषणों के जरिए फैलाया वो भी किस तरह से काम आया। और अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो यकीनन जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है, हालांकि कई बार भटक जाते थे मगर कोशिश लगातार करते रहे। और अगर चुनाव जीत जाती है ना कांग्रेस, तो आने वाले चुनावों के लिए भी कांग्रेस के लिए यह एक सीख साबित होगी कि किस तरह से राज्य के नेताओं को विश्वास में लेकर चुनाव लड़ा जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के लिए कांग्रेस को एक मंत्र मिल जाएगा। यही नहीं, लोकसभा चुनावों के लिए भी मंत्र मिल जाएगा। और अगर भाजपा चुनाव हार गई तो पूरे दक्षिण भारत से उसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।